फर्जी लॉटरी टिकट के खिलाफ अंडाल थाना के वन बहाल फाड़ी की पुलिस ने सोमवार को विभिन्न इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न लॉटरी दुकानों की तलाशी ली। भले ही इस तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को फर्जी लॉटरी टिकट बरामद नहीं हुआ, लेकिन इस अभियान को लेकर लॉटरी टिकट विक्रेताओं के बीच हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि नकली लॉटरी टिकट की बिक्री को लेकर शिकायत मिलने के बाद अंडाल थाने की वन बहाल फाड़ी की पुलिस ने सोमवार को विभिन्न दुकानों में तलाशी अभियान चलाया। वन बहाल पुलिस फाड़ी के आईसी अभिजीत सिंह रॉय के नेतृत्व में गायघाटा, शीतलपुर, बहुला बाजार, मोती बाजार, सिदुली, हरिपुर समेत कई जगहों पर यह अभियान चलाया गया। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान कोई नकली लॉटरी टिकट बरामद नहीं हुआ। माना जा रहा है कि पुलिस के अभियान की खबर पहले ही मिलने पर लॉटरी टिकट विक्रेता सतर्क हो गए थे। हालांकि वन बहाल पुलिस फाड़ी के आईसी अभिजीत सिंह रॉय ने स्पष्ट कर दिया कि नकली लॉटरी टिकट के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। यहां बता देना जरूरी है कि पिछले कुछ समय से अंडाल, पांडेश्वर, दुर्गापुर, फरीदपुर ब्लॉक के विभिन्न इलाकों में फर्जी लॉटरी टिकट की बिक्री बढ़ गई है। कथित तौर पर वैध कंपनियों के लॉटरी टिकट की आड़ में यह गोरख धंधा चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक फर्जी लॉटरी टिकट का गोरख धंधा पड़ोसी राज्य झारखंड से नियंत्रित होता है। इससे पहले आसनसोल, दुर्गापुर के अलग अलग इलाकों से पुलिस भारी मात्रा में फर्जी लॉटरी टिकट के साथ कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसके बावजूद भी चोरी छिपे फर्जी लॉटरी टिकट का गोरख धंधा चल रहा है और लॉटरी टिकट खरीदने वाले भोले भाले लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। इस फर्जी लॉटरी टिकट को झारखंड लॉटरी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड से सीमा पार करके फर्जी लॉटरी टिकट विभिन्न एजेंटों के माध्यम से इस क्षेत्र तक पहुंचता है। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাকি ফ্রেশ আটা মনপসন্দ। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।